अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर आए, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, इसी तरीके से आपने इनवर्स, आइडेंटिटी, डिफरेंट आपने बातें पढ़ी थी। इसी तरह जो इमेजनरी नंबर है उनके बारे में भी आपने पढ़ा था। तो बेसिक लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अब हम अपने लेवल को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पता होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म कहलाती है। अच्छा, अभी तक जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है ना, इस जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आपने फॉर्म देखी है, देखो जैसे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन की एक जनरल फॉर्म होती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। उसी स्ट्रेट लाइन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में है, तो वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन होंगे। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि एक ही इक्वेशन है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसी तरह आपने सर्कल के अंदर देखा था एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एक जनरल फॉर्म थी, तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी आप लगा लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर वही कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन उसको डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। जो अभी तक आपने फॉर्म देखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसको हम कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। तो हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो, एक्स प्लस वाई आयोटा, ये कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म। ये आपने अभी तक देखी हुई है, जिसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस तरीके से, एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर में जब आप लिखोगे तो उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट लिखोगे। रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट में तो मसला नहीं है, रियल पार्ट तो ये एक्स ही है, जबकि इमेजनरी पार्ट जो है ना वो है वाई। ये ध्यान में रखना, इमेजनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें एक होता है इमेजनरी नंबर, वो है वाई आयोटा। अगर मैं आपसे बोलूं इमेजनरी पार्ट तो आयोटा के साथ जो लिखा हुआ होगा ना वो आपने बताना है। तो इमेजनरी पार्ट क्या होता है, वाई होता है। ये बेसिक बात हमने डिस्कस की थी। हमने जो फॉर्म डिस्कस करनी है वो क्या कहलाई जाएगी, पोलर फॉर्म। अच्छा, पोलर फॉर्म, पोलर डिफरेंट जगहों पर आपने पढ़ा होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली दो चीजें आपको, टू डायमेंशन में आप बात कर रहे हो तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में भी लाते हैं लेकिन मैं जनरलाइज बात बता रहा हूं कि एक आर, एक थीटा। आर क्या होता है कि वो पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, थीटा क्या है कि वो क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप यूज करते हो। सेम यही कॉन्सेप्ट आप कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी लगाओ कि कंसिडर कर लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर मौजूद है एक्स कॉमा वाई। इस एक्स का मतलब क्या है कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा डिस्टेंस जो है ये x है, और इस y का मतलब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पूरा डिस्टेंस जो है ये y के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं इस तरीके से, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या कहलाया जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कहलाया जाता है। अगर आप लोगों को याद हो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हो ना, तो जो आपके पास नंबर आता है वो कोई स्केलर आ रहा होता है ना, वो स्केलर रिप्रेजेंट क्या करता है, वो स्केलर रिप्रेजेंट करता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन के दरमियान इतना डिस्टेंस है। तो कोई भी एक फलाना कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने मॉडुलस निकाला, फॉर एग्जाम्पल आ गया फाइव, तो फाइव का मतलब ये कि वो पॉइंट और ओरिजिन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइव के बराबर है, मतलब ये पूरा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में इसको आप आर कहते हो कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो ये आर हो गया। और थीटा यहां पे क्या है, ये पूरा थीटा है कि एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है। तो अब आपने कोशिश ये करना है कि एक्स और वाई जो है इनको आपने किसी तरह कन्वर्ट कर देना है, किसकी, पोलर फॉर्म के अंदर, मतलब आर और थीटा की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अब यहां पे अप्लाई करोगे, वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि यहां पर जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर होगा, ये चीज वाई है ना और ये चीज एक्स है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहां पर एक्स, हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या है आर। x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला हो जाएगा r cos थीटा। तो ये x को आपने r और थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरीके से sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये वाली साइड कहलाती है, ये है y और हाइपोटेन्यूज अभी भी r है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो आपने अपने x और y को कन्वर्ट कर लिया r और थीटा में। अब वक्त आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म थी उसके अंदर ये x और y की वैल्यूज आप पुट करो। तो x की वैल्यू है r cos थीटा प्लस y की वैल्यू है r sin थीटा आयोटा। अच्छा, नॉर्मली आप देखोगे लिखा होता है x प्लस आयोटा y, नॉर्मली लिखा जाता है, लेकिन ये मेक सेंस कर नहीं रहा होता। जनरल फॉर्म में तो चलो सही है लेकिन वैसे मेक सेंस नहीं करता। अगर मैं आपको बोलूं आयोटा 2, सेंस नहीं है इसकी, 2
टू आयोटा की सेंस है, ठीक है। तो लेकिन जनरल फॉर्म में आमतौर पर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ होता है, आयोटा पहले लिखा हुआ होता है, तो ये जनरल फॉर्म में दिखते हुए अच्छा लगता है। बर तो अब आप क्या करो, सिंपल आप यहां से आर कॉमन ले लो। तो ये आपने आर कॉमन ले लिया, अब आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो फॉर्म कहलाती है ना, इस फॉर्म को आप बोलते हो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, इसमें अगर आप देखो आपको आर और थीटा नजर आ रहा है, वेयर आर क्या है यहां पे, मॉडुलस। आर यहां पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा को आप क्या बोलते हो, आर्गुमेंट बोलते हो। थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो जब भी आपके पास आए आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप समझ जाना वो आपसे एंगल पूछ रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या एंगल बना रहा है। मैं आर्गुमेंट के ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो ये क्या फॉर्म कहलाई जाती है, ये फॉर्म कहलाई जाती है पोलर फॉर्म, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है जो इस तरीके से लिखी जाती है, इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि आर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आर, एक सेकेंड, सिस थीटा। अब सवाल है कि सिस थीटा यहां पे क्या आ गया है, ये सिस का मतलब है समझ लो कि सी फॉर कॉस, आई फॉर आयोटा, एस फॉर साइन। शॉर्ट फॉर्म है कॉस आयोटा साइन को लिखने के, इस तरह आप लिख सकते हो सिस, इनका एंगल क्या है थीटा, और मॉडुलस यहां पे क्या था आर। तो पोलर फॉर्म को इस शॉर्ट फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। तो बिल्कुल अगर आप ये देखो ना लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टू सिस 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि आर यहां पे 2 है और थीटा यहां पे 30 डिग्री है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो उसका मतलब बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, ये इसका मतलब बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। अब हम आ जाओ एक और फॉर्म पे, और वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये समझ लो पोलर फॉर्म से आप डिराइव कर लो, एक्चुअल में तो इसका पूरा प्रूफ होता है, वो प्रूफ मैं यहां पे नहीं करवाऊंगा, मैं आइडिया दे दूंगा ताकि अगर आपको शौक हो तो आप देख सकते हो। वो प्रूफ जो है ना सिंपल, अगर आपने पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बस एक चीज का आपने इस्तेमाल करना है, उसको आप कहते हो ऑयलर्स आइडेंटिटी। ऑयलर्स आइडेंटिटी क्या है, e टू द पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नहीं, इसको ऑयलर फॉर्मूला कहते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑयलर फॉर्मूला, ये ऑयलर फॉर्मूला है। ऑयलर आइडेंटिटी ये होती है जिसको मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन कहा जाता है मैथ के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये है, इसको हम ऑयलर्स आइडेंटिटी कहते हैं आई गेस, मैं कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, तो ये आपकी कहलाती है, मैं लिख भी देता हूं, अगर आप उनको शौक हो तो सर्च कर लेना। ये है ऑयलर्स आइडेंटिटी, और इसको मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन इन मैथ बोला जाता है। उसकी रीजन ये है कि इसमें जो बेसिक आप लोग जो जो चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो मैथ के अंदर, बेसिक सी बातें सब है इसके अंदर, मतलब दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है इसके अंदर, आयोटा और पाए। अच्छा, डिफरेंट ऑपरेशन है मैथ के, जैसे पावर का एक्सपोनेंट को ऑपरेशन है। अच्छा, तीसरा नंबर ई भी है, सॉरी, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट कौन से, ई आयोटा पाई, ये तीन ही मेन कॉन्स्टेंट है मैथ के अंदर। अच्छा, ऑपरेशन क्या है, एक तो पावर, ये वाला ऑपरेशन कवर हो गया, प्लस का ऑपरेशन भी है, फिर वन भी आ गया है, जीरो भी आ गया, वन और जीरो ये भी दो इंपॉर्टेंट नंबर है मैथ के अंदर, तो इसको मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन कहा जाता है मैथ के अंदर। अच्छा, ये है ऑयलर आइडेंटिटी, और इसको आप कहते हो ऑयलर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने बस इस ऑयलर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसा, इसका प्रूफ आराम से आपको मिल जाएगा, आप जस्ट लिख दो डेरिवेशन ऑफ ऑयलर फॉर्मूला या प्रूफ ऑफ ऑयलर फॉर्मूला, आसानी से मिल जाएगा। इसका शॉर्ट को तो उसका भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप बस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, उसमें आप ये पुट कर दो, तो क्या होगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह आप पुट कर दो ई टू द पावर आयोटा थीटा। ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म को आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगेन, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको चाहिए वही आर और थीटा। जैसे ही आर और थीटा आ जाएगा तो आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में पुट कर देना आर और थीटा की वैल्यू, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म थी बच्चों जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब इससे रिलेटेड अच्छा, ऑयलर मुझे बाद में बताना चाहिए था, मैंने यहां पे लिखा हुआ था कि मुझे बाद में बतानी है बात, लेकिन मैं पहले बता दिए तो फिर एक और बात भी सुन लो यहाँ पे, जो कि अब यहां पे हमने डिस्कस कर ली तो फिर बात करते हैं। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये जो थीटा है ना, मतलब ये ऑयलर फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट करता हूं,
मैंने क्या किया, थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट किया, तो अब यहां पे भी आ जाएगा। अरे जो थीटा पुट करोगे ना वो यहां पे भी आ जाएगा, आपकी मर्जी, आप थीटा कुछ भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पाई पुट करता हूँ थीटा की जगह, यहां पे भी पाई आ जाएगा, यहां पे भी पाई आ जाएगा। मैं यहां पे माइनस पाई पुट करता हूँ तो यहां पे भी माइनस पाई, यहां पे भी माइनस पाई। तो कंसिडर कर लो मैं थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर रहा हूँ, तो यहां पे माइनस थीटा, यहां पे भी माइनस थीटा। तो इन शॉर्ट जब आप लोगों को पता है कॉस के अंदर नेगेटिव आए तो उसको आप इग्नोर कर देते हो, और साइन के अंदर अगर नेगेटिव आए तो उसको आप बाहर निकाल देते हो। तो यहां से आपने एक और चीज सीखी, ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब थोड़ा बहुत खेल लेते हैं इनसे हम, ताकि एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूं। जस्ट इनको एड कर दो, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, एड करते हैं। तो ये एड करो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको ऐड करो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा टू कॉस थीटा। टू को डिवाइड करवा देना तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय टू। ये भी कॉस का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ये कॉस का फॉर्मूला इंटरम ऑफ एक्सपोनेंशियल या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो आयोटा के फॉर्म में फॉर्मूला, ये उसको याद कर लो। इसकी काफी एप्लीकेशन आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नजर आती है, बहुत जगहों पे आप यूज कर रहे हो। लैप्लास में भी इसकी बहुत एप्लीकेशन है, यहां भी एप्लीकेशन होगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काफी एप्लीकेशन आपको नजर आती है इसकी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेम काम आप इस तरह कर सकते हो, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, तो अब कॉस और कॉस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो टू आयोटा मतलब आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा, इनको जब आप एड करोगे तो ये हो जाएगा टू आयोटा साइन थीटा, और वहां से जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय टू आयोटा। तो ये है साइन को अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताने थे, इसको आप लोग याद रखना। नॉर्मली थीटा के फॉर्म में होता है ना, आप इसको एक्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हो, कॉस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स मतलब आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइड बाय टू, तो इस फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो। तो ये ऑयर फॉर्म के साथ मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी बता दी है। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक है ना वो थोड़ा पोलर फॉर्म से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ऑयलर बाद में बतानी थी, क्योंकि एक ऑर्डर में जा रहा था मैं, लेकिन चलो ये पहले कवर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने पोलर फॉर्म से रिलेटेड थोड़ी बातें सीखनी है कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, जो मेन टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है वो है आर्गुमेंट से रिलेटेड, कि पोलर फॉर्म अभी आपने देखी है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी आर निकालना तो सबको आता होगा, आर तो जस्ट मॉडुलस है। आर किस तरह निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आर आ जाएगा। आर तो आप आसानी से निकाल सकते हो, सवाल है कि यहां पे थीटा कैसे आएगा। तो थीटा का बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या है, जिसको आप आर्गुमेंट कह रहे हो, वो है टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वो जो आप डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम में जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाई थी अभी, जिससे हमने पोलर फॉर्म ड्राइव की थी, उसमें आप टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वाई था बेस एक्स था, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, आप इस तरीके से निकाल लोगे। लेकिन लाइफ आपकी इतनी इजी नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको लाइफ अपनी इजी लगती है कि सिंपल वाई अपॉन एक्स का टेंजेंट इनवर्स निकाल लो, आपके पास आर्गुमेंट हो जाएगा। अब बाकी क्वाड्रेंट में मसला क्या होगा, उससे पहले उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो अगर आप थीटा की बात करो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्मूला यूज किया टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, आपको ये एंगल दे देगा। अगर आप उस एंगल में 360 डिग्री ऐड करो तब भी वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 1+√3 आयोटा, फॉर एग्जाम्पल इसमें आर आप निकालना, आर आ जाएगा 1+3 मतलब 2 आ रहा होगा आर, और थीटा निकालोगे, थीटा होगा टेंजेंट इनवर्स √3/1 जो कि 60 डिग्री के बराबर होता है, पाई बाय 3। जब आप कन्वर्ट करोगे जाएगा 2 cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, ठीक है। लेकिन आप 60 की जगह यहां पे अगर 420 डिग्री पुट कर दो तब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। यहां 60 की जगह पे 420 पुट करो, यहां पे 420 पुट करो, ऑब्जर्व करना यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। इसका मतलब थीटा जो है वो कोई यूनिक तो नहीं है ना, आप 360 डिग्री ऐड करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। तो दैट्स व्हाई हमने एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, हमने बोला है कि यार जो आपका थीटा आना चाहिए ना वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए, वरना फिर अगर हमने रेंज बढ़ा दी तो फिर वो जनरलाइज हो जाएगा, वो तो डिफरेंट यूनिक एंगल आ रहे होंगे।
तो एक रेंज हमने फिक्स कर दी कि उसके अंदर आपके पास एक यूनिक वैल्यू आ रही होगी थीटा की, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, अब रेंज डिफरेंट दो किस्म के स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। या तो बोला जाता है कि जो आपके पास आर्गुमेंट आ रहा है वो 0 और 360 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। 0 और 360 डिग्री के दरमियान एक ही ऐसा एंगल होगा जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे आपने यहां पे देखा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आपने आर्गुमेंट निकाला 60 डिग्री आया। 0 और 360 के दरमियान ये वो वाहिद एंगल है जो आप पुट करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। बाकी जो एंगल है वो 360 से बाहर होंगे या 0 से पीछे होंगे, जो भी आप कन्वेंशन यूज कर रहे हो। तो एक तो स्टैंडर्ड ये है कि आप ये बोलो कि जो थीटा आ रहा है ना, प्रिंसिपल थीटा जो आपको निकालना है, प्रिंसिपल थीटा वो होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो 0 और 360 डिग्री के दरमियान है। 420 भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 420 प्रिंसिपल नहीं है, उसको जनरलाइज हम बोल देते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा, जो 0 और 360 डिग्री के दरमियान है। या एक और नोटेशन में यह भी यूज होता है कि जो आपका आर्गुमेंट है वो -180 और 180 के दरमियान हो। दोनों के अंदर 360 का ही डिफरेंस है, 0 से लेकर 360 में 360 डिग्रीज है और -180 से लेकर 180 तक भी 360 डिग्रीज है। तो दो किस्म के नोटेशन है जो यूज होते हैं। मैं दोनों के बारे में आपको बता दूंगा कि अगर आपने आर्गुमेंट निकालना है, जो भी स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हो, तो आर्गुमेंट आप किस तरीके से निकालोगे। तो ये टॉपिक जो है ये मुझे आपको क्लियर करना है। तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ऐसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर है। सबसे बेसिक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, फिर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब आप ड्रॉ करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो एक्स का मतलब रियल एक्सेस पे आप पुट कर रहे होते हो, जो भी रियल वैल्यू होती है वो एक्स एक्सेस पे पुट कर रहे होते हो, और जो इमेजिनरी वैल्यू है वो वाई एक्सेस पे आप पुट कर रहे होते हो। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो गया। फिर हम जेड थ्री को कंसिडर करते हैं, इसको हम बनाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर देखो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब इसमें एक्स भी नेगेटिव है, वाई वैल्यू भी नेगेटिव है। और अगर इसकी बात करें, इसको हम बना देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका आपको आर्गुमेंट यहां पे निकालना है। अब दोनों स्टैंडर्ड से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर कोई कहता है कि आर्गुमेंट 0 और 360 के दरमियान होना चाहिए, वो भी प्रिंसिपल माना जाएगा। और कहीं बुक्स में आपको नजर आएगा कि -180 और 180 के दरमियान जो एंगल है वो प्रिंसिपल माना जाएगा। तो दोनों नोटेशन से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ करो तो मामला क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 1+√3 आयोटा को। ये 1+√3 आयोटा कहां पे होगा, कंसिडर कर लो ये पॉइंट 1 है, इसको कर लेते हैं ये -1 है, और इसको कर लेते हैं √3 करना है ना, तो √3 इस √4 जो है वो 2 होता है ना, तो √3 1 और 2 के दरमियान होगा। ओके, तो कंसीडर कर लाएगा 1.7 समथिंग होता है √3। मैं मजीद कैलकुलेट कर लेता हूं, √3 हाँ 1.73 होता है। अब 1.73 इज समथिंग, थोड़ा डबल कर लेते हैं, कंसीडर कर लो यहां पे है ये वैल्यू √3 है, ये वैल्यू 1 है, ये -1 है, और इसी तरह एक नीचे -√3 है। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करना चाहते हो, ये है 1+√3 आयोटा। तो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसको ओरिजिन से ड्रॉ किया, ये इसके मॉडुलस को शो करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1, √3, ये इसका थीटा है। तो बिलफर्ड्स, अब निकालने का प्रोसीजर क्या होगा? निकालने का प्रोसीजर सिंपल ये होगा कि आप यहां पे यूज करो टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, आप जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालोगे तो जस्ट आपने क्या यूज करना है, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x वाला फॉर्मूला। आप लिखोगे √3/1, सॉल्व करोगे, आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती, डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स किया आपके पास आर्गुमेंट आ गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तब आर्गुमेंट निकालने का प्रोसीजर क्या होगा। अब आर्गुमेंट क्या है, ये पूरा आर्गुमेंट है, क्योंकि आर्गुमेंट एक्स एक्सिस से बन रहा होता है ना, तो ये पूरा एंगल है, ये पूरा आर्गुमेंट है जो आपको निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपको ये समझ आ गया कि आर्गुमेंट आपको निकालना है। निकालने का प्रोसीजर वही होगा कि आपने फॉर्मुला यूज करना है, बस हल्की पुल्की चेंजिंग करेंगे। वही फॉर्मुला है, आप पुट करो वाई वैल्यू क्या है √3, एक्स वैल्यू क्या है -1। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना, कैलकुलेटर आंसर दे रहा होगा -60 डिग्री। आप बस क्या करना, आप यहां पे 180 डिग्री ऐड कर देना। अब ये दोनों नोटेशन में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वर्किंग सेम होती है, चाहे आप 0 और 360 डिग्री वाली स्टैंडर्ड यूज कर लो या -180 और 180 के दरमियान यूज कर लो। आपको पता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है तो -60 डिग्री सेंस नहीं बनाती है बात। ठीक है, वो इसलिए उनके नेगेटिव यहां पे लगाया हुआ है। तो आप जस्ट क्या करो, यहां पे 180 डिग्री ऐड कर दो। तो 180 डिग्री ऐड करोगे ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो अब आपका ये आर्गुमेंट कितना है, 120 डिग्री।
अब ये जो आपके पास आर्गुमेंट आया ना, देखो अभी तक जो भी मैंने बात की है वो दोनों स्टैंडर्ड के अंदर है, मतलब चाहे अगर आप आर्गुमेंट को, अगर आप आर्गुमेंट की रेंज लेते हो 0 से लेके 360 डिग्री, या आप आर्गुमेंट की रेंज लेते हो -180 से लेके 180 तक, दोनों नोटेशन में अगर आप देखो तो ये आर्गुमेंट हमारे उनके दरमियान ही लाई कर रहे हैं। 60 और 120 इसके अंदर भी आता है, इसके अंदर भी आता है। कहने का मतलब कोई भी कन्वेंशन आप यूज करो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने यही प्रोसीजर अप्लाई करना है इन दोनों नोटेशन के अंदर, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो आर्गुमेंट निकालना आपने सीख लिया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब अगर आप बात करो थर्ड क्वाड्रेंट की, कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब दो नोटेशन यहां पे अलग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो जब आप इस वाली नोटेशन में देखते हो या इस वाली में देखते हो तो 0 से लेके 180 तक तो आपने दोनों नोटेशन में जाना होता है, 0 से लेके 180 तक। इस वाली नोटेशन में क्या होता है कि आप 180 से लेके आगे भी जाते हो, 270 करते करते 360 तक जाते हो, जबकि इस नोटेशन में क्या होता है कि आप 0 से लेके 180 तक जाते हो। अब जैसे ही आपका कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो अब आप इस तरह नहीं जाओगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही जाओगे, आप क्लॉकवाइज जा रहे होगे। तो मतलब सेकंड वाली नोटेशन में आपको एंगल मिलेगा 0 से लेके 180, और जैसे ही 180 से ग्रेटर होगा तो अब आप क्लॉकवाइज ले रहे होगे, अब वो माइनस से स्टार्ट होगा, -50 जो भी है वो चल रहा होगा। तो फर्क इनमें आता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इन दोनों नोटेशन में, फर्स्ट और सेकंड के अंदर कोई फर्क नहीं इनमें पड़ रहा होता। तो अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, देखने में लग रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आपको इतना कुछ बता नहीं रहा, फॉर्मूले में माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास 60 डिग्री आ रहा होगा, लेकिन आपको खुद बात पता है कि आप कोई भी कन्वेंशन यूज कर लो इसमें से 60 डिग्री आर्गुमेंट नहीं है यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 60 डिग्री कहीं से भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब आपने, आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर आर्गुमेंट नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप ये वाली कन्वेंशन यूज कर रहे हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं कन्वेंशन नंबर 1, इसको कहते हैं कन्वेंशन नंबर 2। अगर आप कन्वेंशन नंबर 1 यूज कर रहे हो तो देखो ये जो है, ये जो आपको एंगल मिला ना 60 डिग्री, ये आपको बेसिकली रेफरेंस एंगल मिला ये वाला। आप क्या करना, इस 60 डिग्री के अंदर जस्ट 180 डिग्री ऐड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 240 डिग्री, दैट्स इट। कन्वेंशन नंबर 1 में आपके पास ये आर्गुमेंट कहलाया जाएगा, ये है 240 डिग्री, ये 240 डिग्री एंगल, ठीक है। और अगर यहां पे आप बात करते हो कि यार कन्वेंशन नंबर 2 के अंदर मैं किस तरीके से मालूम करूंगा, तो जस्ट यहां पे क्या करना, 60 डिग्री माइनस 180। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, समझ लोगे तो सहज बना दिए बात, कि अब आपको इस तरह आना है, जब क्लॉकवाइज आते हो तो नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि एंगल आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। 60 में आप माइनस 180 कर देना, दैट्स इट, आंसर क्या आएगा, -120 डिग्री। तो दूसरी कन्वेंशन के अंदर इसका आर्गुमेंट क्या माना जाएगा, -120 डिग्री, और ये एंगल जो है ये कहलाएगा -120 डिग्री, इस तरीके से आप आ रहे हैं, क्योंकि ये 60 डिग्री है ना, तो आप यहां से कितना आओगे, -120 डिग्री आओगे। तो दोनों कन्वेंशन के अंदर आपने देख लिया कि आर्गुमेंट आपका क्या होगा। अब कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो आपको बात आसानी से समझ आ जाएगी, सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट एंगल से बात की जा रही है, डिफरेंट कन्वेंशन है यहां पे जो आपने यूज करनी होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मसला भी हल कर दिया बिलफर्ज। अगर अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, अब आप क्या करोगे, अगेन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करो, जब आप ये थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला क्या है, y अपॉन एक्स, तो अगेन आपके पास आंसर आ रहा होगा -60 डिग्री। अब -60 डिग्री यहां पे क्या होगा, जो भी आपके पास यहां पे एंगल आ रहा होगा ना, ये दूसरी कन्वेंशन में यही माना जाएगा, मतलब पहली कन्वेंशन में तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, दूसरी कन्वेंशन में यही आपका आर्गुमेंट है -60 डिग्री। ये याद रख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप थीटा से कोई भी वैल्यू निकालते हो, जो भी वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक है एज फार एज कि आप दूसरी वाली कन्वेंशन यूज कर रहे हो, क्योंकि वो मेक सेंस कर रहा है ना, ये जो पूरा एंगल है क्लॉकवाइज अगर आप जाओ तो ये -60 डिग्री है, ये बात मेक सेंस कर रही है हमें। तो जो आपके पास एंगल आ रहा है वो दूसरी कन्वेंशन में तो सही माना जाएगा, दूसरी कन्वेंशन क्या है कि -180 और 180 के दरमियान, तो ये -60 दूसरी कन्वेंशन के अंदर तो ठीक है। पहली कन्वेंशन अगर आप यूज करो तो अब आप क्या करोगे, जो भी आपके पास -60 आया है ना, इसके अंदर जस्ट आप ऐड कर देना 360 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 300 डिग्री, और ये बात मेक सेंस कर रही है, 300 डिग्री का मतलब ये वाला पूरा एंगल है कि आप पूरा रोटेट कर रहे हो, करते करते यहां पे रुक गए, मतलब 60 डिग्री पहले रुक गए आप, तो मतलब 300 डिग्री आपने पूरा कवर किया। तो दूसरी कन्वेंशन के अंदर क्या माना जाएगा, 300 डिग्री माना जाएगा। तो यहां पे बच्चों मैंने सिर्फ एक कन्वेंशन नहीं बताई, मैंने इसलिए दो बताई क्योंकि बच्चे डिफरेंट यूज करते हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, अब उनमें कंफ्यूजन हो जाती है उनके, तो मैंने दोनों बता दी
कि दोनों कन्वेंशन अगर कोई भी आपको गिवन हो इसमें से, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कन्वेंशन है कि इस वाले, कोई कहता है कि इस वाली कन्वेंशन को यूज करना है, इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट कंसीडर करेंगे, कोई कहता है इसको यूज करो, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर जो भी आर्गुमेंट है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। इस रेंज से अगर वो बाहर होगा तो वो जनरलाइज है। जैसे यहां पे एक एंगल आया था 240 डिग्री, अब 240 डिग्री के अंदर 360 डिग्री ऐड करते जाओ करते जाओ, सेम वही वैल्यूज मिल रही होंगी। सेम इसके अंदर भी आप करते जाओ आपको सेम वैल्यूज मिल रही होंगी। अच्छा एक और बात देख लो, आपने चार क्वाड्रेंट के अंदर तो देख लिया है कि यार शुरू के दो क्वाड्रेंट में कोई भी कन्वेंशन हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वो आपने स्टेप्स देख लिए होंगे, आपको बात क्लियर होगी होगी। अब बिलफर्ज अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी क्वाड्रेंट में ना हो बल्कि क्वाड्रेंट्स के दरमियान हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो आर्गुमेंट है वो यहां पे हो, इस पॉइंट पे हो फॉर एग्जाम्पल, या कहीं इस पॉइंट पे हो, या कहीं इस पॉइंट पे हो, या कहीं इस पॉइंट पे हो, तो अब आप आर्गुमेंट किस तरीके से निकालोगे? याद रखो जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस जगह पे होगा तो उसकी वाई वैल्यू तो नहीं होगी ना। जब भी आर्गुमेंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई वैल्यू तो नहीं होगी, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, यहां पर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 2+0 आयोटा। तो याद रखना अगर वाई वैल्यू जीरो है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वो तो एक्स एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा, ठीक है। अब सवाल है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो सिंपल बात है, अगर एक्स वैल्यू पॉजिटिव है, रियल वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इक्वल डिस्टेंस रखा है ना तो इसको -2+0 आयोटा कह देते हैं। तो अगर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो क्वाड्रेंट के ऊपर, इसी तरह ऊपर का भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह देते हैं 0+2 आयोटा, इसको हम कह देंगे 0-2 आयोटा, ठीक है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स वैल्यू जीरो है तो उसका मतलब वाई एक्सिस पे ड्रॉ हो रहा होगा। अब अगर इमेजिनरी पार्ट उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आप आर्गुमेंट निकालोगे क्या? आप ये वाला फॉर्मुला यूज नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मुला कहीं आपको इन्फिनिटी आंसर दे रहा होगा, कहीं जीरो दे रहा होगा, सही है, लेकिन कहीं आपका अनडिफाइंड आंसर दे रहा होगा। तो वैसे अगर आप कॉन्सेप्ट से समझ लो तो आपको बात क्लियर रही है कि यार जब आपका जो आर्गुमेंट है वो अगर कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो थीटा जीरो होगा। अगर आपका इस पे है तो थीटा तो बनेगा उस वक्त जब ये रोटेट करे, नहीं होगा। और बिलफर्ज अगर वो इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो आर्गुमेंट आप क्या लोगे? 180 डिग्री, क्योंकि आप पूरा रोटेट होकर यहां पे आओगे ना तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो दोनों में फर्क आपको नजर आएगा नहीं। जैसे इसमें अगर आप देखो ना तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.2 और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.-2। दोनों के अगर आप आंसर देखो 0 डिग्री 0 डिग्री आ रहा होगा। लेकिन अब आपके बात पता होनी चाहिए कि ये जो है ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के दरमियान है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो आप इसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर देना, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, वो जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका वाई एक्सिस पे आर्गुमेंट आ जाए, अब दोनों केसेस में अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको अनडिफाइंड फॉर्म ही मिलेगी फॉर्मूले के अंदर। इधर भी अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगी एक अनडिफाइंड फॉर्म। आपको पता है अनडिफाइंड फॉर्म अगर कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो नॉर्मली आपका एंगल, कैलकुलेटर तो खैर आंसर नहीं देगा, अगर आपको जीरो के करीब तरीके नंबर पुट करो फिर कोई आंसर दे सकता है, लेकिन आंसर जो है वो आपको मिलता है 90 डिग्री। अब आपको पता है अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है तो यार उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 90 डिग्री होगा ये पूरा, तो ये तो 90 डिग्री है। दोनों कन्वेंशन की मैं बात करूं, अभी तक जो मैंने बातें की वो दोनों कन्वेंशन के अंदर है, ये जो दोनों एंगल है ये दोनों कन्वेंशन के अंदर आते हैं ना भाई। इसके अंदर भी 180 डिग्री है, इसके अंदर भी 180 डिग्री है, तो दोनों बातें ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी 90 डिग्री है, इसके अंदर भी 90 डिग्री है, तो अगर इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो दोनों नोटेशन में सेम ही आर्गुमेंट होगा यहां पे। हाँ, अगर आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे आए अब फर्क पड़ेगा, वो ये कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, इस तरह नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है, तो आप दो कन्वेंशन यूज करोगे। अगर आप पहली वाली यूज कर रहे हो तो अब आपको आर्गुमेंट क्या होगा? ये पूरा 270 डिग्री, ठीक है। और अगर आप ये वाली कन्वेंशन यूज कर रहे हो तो अब आपको क्लॉक में जाना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? -90। तो बस ये फर्क है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है तो अगर आप ये वाली कन्वेंशन यूज करोगे तो -90 डिग्री कराया जाएगा, ठीक है, और ये वाली कन्वेंशन यूज करोगे तो 270 डिग्री उसका आर्गुमेंट होगा। बाकी तीनों पे मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आप नोटेशन देखो, ब्रैकेट मैंने -180 इंक्लूड नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहां पे है तो हम कन्वेंशन यूज करेंगे 180 डिग्री, क्योंकि यहां पे -180 डिग्री भी ले सकते हो ना, तो भाई यहां से रोटेट कर गए हो ये 180 डिग्री है और क्लॉक वाइज रोटेट कर गए हो -180 डिग्री है, तो उसका मतलब इस पॉइंट पे आप क्या फिक्स करोगे? 180 हो गया या -180 लोगे? तो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हम 180 डिग्री लेंगे, दैट्स व्हाई -180 शामिल नहीं है।
आपका कॉम्प्लेक्स नंबर -180 से कम कम होगा, जैसे यहां पे आएगा तो हम उसको हम बोल देंगे 180 डिग्री, तो -180 से कम ही होगा वो हमेशा। और अगर आप इस नोटेशन में बात करो तो हम नॉर्मली 0 डिग्री लेते हैं उसको, तो इसका मतलब 0 और 360 से कम कम ही आपके पास ऑर्गुमेंट होता है, दैट्स व्हाई आपको ये ब्रैकेट्स नजर आ रही है। तो बच्चों ऑर्गुमेंट का टॉपिक डिटेल में मैंने कवर करवा दिया दोनों नोटेशन के अंदर कि उसमें क्या होगा। अच्छा जी, मेन मेन बातें हमारी कवर हो गई हैं, ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, नॉर्मली आप डिस्कस कर रहे होते हो रेडियन के अंदर, तो अब इतने तो स्मार्ट आप लोग हो जाओ कि रेडियन के अंदर यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा 0 से लेकर 2π और ये हो जाएगा -π से लेकर π, तो ये बेसिक बात तो आपको आनी चाहिए। इसी तरह अगर रेडियन में एंगल है किस तरह आपने कन्वर्ट करना है, जहां पे मैंने 180 ऐड किया इसका मतलब आपने पाई ऐड करना है उसके अंदर, जहां पे 360 ऐड किया वहां पे मतलब 2π ऐड करना है आपने, जहां पे जैसे 60 डिग्री है तो ये -π/3 होता है, तो यहाँ पे -π/3 ऑर्गुमेंट है। तो रेडियन के अंदर आपको थोड़ा खेलना आना चाहिए, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये कंसिडर कर लो, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है 1+√3 iota, आपने इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो बहुत दफा मैंने ये करवाया आप लोगों को, इसमें अगर आप आर निकालोगे तो 2 आएगा और थीटा निकालोगे तो उसका थीटा 60 डिग्री था, तो cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री, तो ये आपने कन्वर्ट कर लिया पोलर फॉर्म के अंदर। और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। थीटा जो है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप रेडियन के अंदर ही लिख रहे होते हो, इस लेवल पे आप ज्यादातर रेडियन के अंदर ही काम करते हो, आसानी के लिए डिग्री बताई जाती है, तो ये क्या हो जाएगा π/3। अच्छा अगेन वही होगा, π/3 आयोटा लिखो तो ज्यादा बेहतर लगेगा आपको। तो ये आपने देख लिया कार्टेशियन से पोलर और एक्सपोनेंशियल में कैसे जाना है। बिलफर्ज अगर पोलर में लिखा हुआ है, कंसीडर कर लो आपके पास लिखा हुआ है 3 cos, रेडियन में हम कंसीडर करते हैं π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अब बिलफर्ज अगर आपको बोला जाता है कि यार आपने इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, कोई मुश्किल नहीं है कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। ये 3 है, cos π/6 क्या होता है, मतलब cos 30 डिग्री √3/2 होता है, पार्ट 2 कर लेते हैं थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है। ठीक है, आप इस 2 को मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा √3 + iota, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना ये कन्वर्ट हो गया कार्टेशियन फॉर्म में √3 + iota। और बिल्कुल अगर आपको बोलूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कोई मुश्किल नहीं है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें आर क्या है 2 iota और ऑर्गुमेंट क्या है 5/6, तो पोलर फॉर्म से आपने कार्टेशियन और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। आखिर ये हो सकता है कि बिलफर्ज अगर आपको एक्सपोनेंशियल में गिवन है, ये गिवन है और आपको बोला जाए कि यार फॉर एग्जांपल इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, तो कार्टेशियन में आप कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल ये होगा कि आप इसमें एक्स और वाई निकालते हो ना, तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है आर कॉस थीटा, जैसे यहां पर आपने देखा था ये कॉस थीटा था ये आर था, तो आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया था तो एक्स वैल्यू आई थी, और y क्या होता है r sin थीटा, मतलब इस r को मल्टीप्लाई करो उससे तो आपके पास ये आ गई थी +1 जो भी वैल्यू आ रही थी। तो सेम वही करो, x इज इक्वल टू r cos थीटा, r यहां पे क्या है 2 और थीटा यहां पे क्या है पाए, तो cos पाए वैसे क्या होता है cos पाए -1 होता है, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा -2 प्लस iota y sin थीटा, सॉरी r sin थीटा, r यहां पे 2 है और sin जब पाए का निकालोगे तो वो 0 होता है, तो सिंपल यहां पे 0 आ जाएगा। इन शॉर्ट कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, सिंपल -2 हो जाएगी। और अगर इसकी पोलर फॉर्म लिखो आप, अगेन वही r तो आपको गिवन है 2 और थीटा भी आपको गिवन है cos पाए प्लस आयोटा साइन पाए, तो कहने का मतलब अगर एक फॉर्म दी जाए तो बाकी फॉर्म में लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई बड़ी बात नहीं, इसको अगर मजीद अच्छा लिखना चाहे तो इसी तरह लिख दो -2 + 0 iota, तो ये डिफरेंट फॉर्म है इनका आपस में कन्वर्जन, इसको आप लोग देख लेना। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।